मंदसौर दुष्कर्म मामले में फिर एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी मासूम बालिका को उंगली पकड़कर घटनास्थल की ओर ले जा रहा है। एसआईटी दल ने बताया कि पुलिस ने दोनों हैवानों के घटना के पहले और घटना के बाद साथ रहने के साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। एसआईटी प्रमुख राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि जांच दल के सदस्य संदीप मंगोलिया ने इंदौर अस्पताल जाकर सामूहिक ज्यादती का शिकार हुई बालिका के मां का बयान दर्ज किया है। अपने बयान में बालिका की मां ने बताया कि हैवानियत करने वाले दोनों दरिंदे थे जिसमें एक पहले से झाड़ियों में मौजूद था जबकि दूसरा उसे साथ लेकर घटना स्थल पर गया था। वही शुक्ला ने बताया कि जल्द ही हमारी टीम बालिका के बयान दर्ज करने के लिए इंदौर जाएगी। यहां चिकित्सकों से चर्चा करने के बाद मनोचिकित्सक की मदद से बालिका के बयान दर्ज किए जाएंगे। इसी दौरान बालिका के 164 के बयान भी मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाएंगे।